महिला आई थी जो कि आश्रम में रहती है, वो थोड़ी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त सी थी। इसके पहले भी 2-3 बार वो मोरने में आ चुकी है और इलाज करा के जा चुकी है, थोड़ा डिप्रेशन या मानसिक विकार उसकी शरीर में। तो चूँकि कल चुकी स्थिति गंभीर थी उसकी, तो हाँ डॉक्टर साहब ने उसको जिला अस्पताल के रेफर कर दिया। तो जो साथ में जो लोग लेके आए थे उन्होंने कहा नहीं भाई हम उसको जिला अस्पताल ले जाएंगे, हम तो उसको आश्रम ले जाएंगे, आश्रम में रहती है। तो उसको वहाँ से आश्रम लेते गए वहाँ से, तो पता चला कि आज वो आश्रम से कहाँ से निकल गई, कैसे निकली आज छूट। मैं चौके पर था, मेरी ड्यूटीज मोहना चौके पर थी, मैं चौके पर बैठा हुआ था। तो एक बड़े मियाँ आए थे, जमील नाम था उनका, वो बोले भैया कि मेरे खेत में एक महिला हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लो। तो मैं वहाँ मौके पर गया, फिर मैंने अपने SHO को बताई और अपने चौके इंचार्ज जी को बताई, मैंने सर ऐसे से बात है और ऐसे से महिला पड़ी हुई है, बीमार है और बेहोशी की हालत में है। फिर मैंने महिला को पानी वानी पिलवाया, थोड़ी होश में आई वो। फिर मैंने 108 पर कॉल करी, 108 पर कॉल करने के बाद 108 वहाँ पहुँची और 108 के थ्रू मैंने जमील जो बड़े मियाँ जी थे वो और मैं, हमने दोनों ने यहाँ आके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ये कंप्यूटर जी मिले थे, डॉक्टर साहब तो यहाँ थे नहीं, इन्होंने उनको महिला को एडमिट करके और उनको दवाई वगैरह दी जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई अम्मा जी ने। लेकिन अम्मा जी मतलब अपना पूरा एड्रेस पता नहीं बता पा रही थी कि मैं कहाँ की हूँ कहाँ की नहीं हूँ।